स्टार्ट किया था उसमें फॉर्मूले ऑलरेडी समझ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए 4-5। उसके बाद कुछ थियोरेटिकल पोर्शन रहता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड का, वो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है उसमें? प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेचुरल इनकम निकालते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। टोटल 6 प्रिकॉशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। नंबर 1 देखो क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल इनकम। जब आप नेचुरल इनकम निकाल रहे हो तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्या कोई लॉजिक आ रहा है दिमाग में? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो इनपुट्स होते हैं, जो इनपुट होते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जब हम फाइनल गुड्स बना लेते हैं तो फाइनल गुड्स की वैल्यू में क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होती? जी भैया, मैंने इनपुट लगाया 50 रुपए का, फाइनल गुड बनाया 80 रुपए के, तो इस 80 में ये 50 रुपए ऑलरेडी तो कहते हैं आप 80 ले लेना सर, सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड कर देना, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल प्राइस, तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को आप नेचुरल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। पहला क्या लिखा है, सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल, if they are included again it will lead to double counting. तो हमारा क्या होगा, एक चीज दो बार काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज इंक्लूड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हैंड गुड्स हैं वो जब बने होंगे जिस साल में, उस साल के नेशनल इनकम में आगे होंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर वो इनकम में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, लिखते हैं As they are included in the year they were produced. जिस साल बने थे उस साल इंक्लूड हो गए थे। एंड क्या लिखता है, एंड डू नॉट ऐड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इस साल के गुड्स और सर्विस के फ्लो में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर ले। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। कोई ऐसी सर्विस है जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए जनरेट कर रहे हो उसे इंक्लूड नहीं मत करना। क्यों इंक्लूड नहीं करना बेटा? आप जैसे घर पे अगर मम्मी फूड बना रही है हमारे लिए खाना खाने के लिए, तो क्या उससे आपकी नेशनल इनकम में कुछ इंक्रीज हो रहा है? ना भैया। तो वो कोई अगर सर्विस दे रही है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए या अपने घर के लिए, तो वो इंक्लूड मुश्किल है। अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, सर्विस की बात नहीं हो रही, गुड्स बना रहे हो अपने लिए, वो इंक्लूड है। क्यों? आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस करे, अगर आपको खुद कंज्यूम ना करो तो आपसे मार्केट में बेचोगे, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन हो गई, तो इसलिए वो किस में काउंट हो जाएगा, नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। देखो क्या लिखते हैं, इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट, क्योंकि उससे कंट्री का आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। देयर वैल्यू is to be estimated or included as they are not sold in the market. अब include करने के लिए value चाहिए, तो कहते हैं उसे value को estimate कर लेना कि अगर हम market में बेचें तो कितने का बिकेगा, और जितने का बिकता उतनी value हम include कर लेंगे। फिर वही बात। Next is imputed value of owner occupied house should be included. अब imputed value मतलब estimated value किसकी, उस घर की जिसमें आप रह रहे हैं वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्यों? अगर आप वहाँ खुद ना रहते तो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते और जो रेंट जनरेट होता वो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, हो जाता। अगर आप खुद ना रहते तो उसको रेंट पे चढ़ाते और जो रेंट आता वो इनकम में काउंट होता। आप कहीं और जाके रहते वहाँ पे रेंट पे करते वो भी काउंट होता, तो इसलिए कहते हैं जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं इम्प्यूटेड यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेना कि अगर हम ना रहते तो कितना किराया खर्च करते हैं और वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। क्या लिखते हैं,
people who lives in their own houses do not pay any rent, but they enjoy a housing service similar to those people who stay in a rented houses. Therefore, the value of such housing service is estimated according to the market value of similar accommodation. अगर उसी तरह की आप कहीं और accommodation लेते हैं, घर लेते हैं, तो आपको कितना rent पर देना पड़ता है? Such an estimated rent is known as imputed rent. जो आप estimation लगा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? Imputed rent. Next, change in stock of goods will be included. बेटा ये तो हमारे value added के formula में ही था. क्या था? Value output minus intermediate और value output क्या था? Sales plus change in stock. यानी stock में जो change आ रहा है, वो तो natural income amount होए गई. समझ आ गया? तो क्या लिखते हैं? Net increase in the stock of inventory will be included in the natural income as it is a part of capital formation. क्योंकि उससे goods तो बने रहे, तभी तो stock में change हो रहा है. ठीक है? तो हमने तीन चीजें include नहीं करनी और तीन करनी है. क्या include नहीं करना? सबसे पहले क्या लिखा है? इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. दूसरा सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल कंजम्पशन नॉट टू बी इंक्लूडेड. तीन इंक्लूड नहीं करने, ध्यान से सुन लो, बोलना मत. सबसे पहला हमने क्या इंक्लूड नहीं करना, क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स फॉर सेल कंजम्पशन, सेकंड हैंड परचेज. बेटा सेल कंजम्पशन, हां ठीक है, ठीक है, हां ठीक है. चलो एक काम करो, सुन लो. सर्विस नहीं करेंगे. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज़ देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स. नंबर 2, सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड. ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं करनी. क्या इंक्लूड करना है? Production of goods for self-consumption will be included. Imputed value of self-occupied house will be included. And change in stock will be included in the national income. ठीक है? याद रखना है इसे. Change in stock. आगे समझ? ठीक. क्या क्या include? नहीं करना. Intermediate goods. और उसके बाद sale of second-hand goods. और production of सर्विसेज फॉर सेल्फ, ये तीनों नहीं आएंगे. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आएंगे और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस आएगा और चेंज इन स्टॉक ये भी आएगा. उसके बाद यार बता दो, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने घर की कंजम्पशन के लिए, वो हमारे नेशनल इनकम में आएगा क्योंकि उससे कंट्री का आउटपुट कहीं ना कहीं इंक्रीज तो हो रहा है. प्रोडक्शन तो हो रही है, जैसे ही हमारा आउटपुट बढ़ रहा है इसका मतलब हमारी नेट इनकम में काउंट हो रहा है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या है? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, तो एक प्रॉब्लम आती है कई बार कि एक चीज एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. पढ़ते रहे, क्या लिखा है? इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ The value of only final goods and services is to be included. However, the problem of double counting arises when the value of intermediate goods is also included with the value of final goods. कहते हैं वैसे तो सिर्फ final की लेनी चाहिए, but problem कब आती है जब हम intermediate की value भी count कर लेते हैं. Definition यहाँ से start हुई है. Double counting refers to counting of an output more than once. एक आउटपुट को एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हैं. काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. जब वो प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस से पास हो रहा था, तो एक आउटपुट को जब एक से ज्यादा बार काउंट कर ले उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. अब उसके लिए एग्जांपल समझते हैं बेटा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे अराइज होती है. कोई एग्जांपल, जो फार्मर ने कॉटन ग्रो करी थी, उसने वो कॉटन सेल करी थी किसको? थ्रेड मैन्युफैक्चरर को. उसने बेचा आगे टेक्सटाइल वाले को, उसने शर्ट मैन्युफैक्चरर को और उसने 0, 500, 800, 1200. तो अगर मैं नेशनल इनकम निकालने लगूं कैसे,
क्योंकि मैंने काफी सारी वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट कर दी, ये 500 यहाँ पे काउंट हो गया और ये 500 यहाँ भी, इसमें भी था तो ये 800 यहाँ भी काउंट होगा और ये 800 इसमें भी आ गया, ये 1200 इसमें भी था भी आ गया और ये भी आ गया, एक ही एक से ज्यादा बार काउंट हो रही है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। आपको मीनिंग समझ आ गया। उसके बाद हमने ये नीचे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हमने सीधा ये पढ़ना बेटा, ये टेबल इधर देखो, सीधा ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। जो बॉक्स में वो पढ़ने क्या लिखा है देखो, फार्मर ने आउटपुट क्या दिया, बीन, और बीन कितने का था, 500 रुपए का, वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है उसका, जीरो, तो उसने वैल्यू एड में कितना किया, दो, आउटपुट 500 इनपुट 0, तो 500 माइनस 0 500 का वैल्यू एडेड होगा उसका, ऐसे निकालो माइनस। मिलर, मिलर ने फ्लोर लिया, फ्लोर प्रोड्यूस किया कितने का, 700 रुपए का, इनपुट कितना था उसका, 500 का इनपुट था, 200 लिया, वेट लिया था ना उसने 500 का, वेट लिया था 700 का, आउटपुट प्रोड्यूस किया तो उसका आउटपुट कितने का हो गया, 200 वैल्यू एडेड 200 का हो गया। उसने किसको बेचा, बेकर को, बेकर ने ब्रेड बनाई, किसको बेची, कंज्यूमर को, ब्रेड कितने की बेची, 1000 रुपए की, लेकिन उसका इनपुट कितने का था, 700, उसका वैल्यू एडेड हो गया 300। समझ आ गया एग्जांपल। पीछे पढ़ते क्या लिखता है, इन द गिवन एग्जांपल वीट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर फार्मर, जो वीट है वो फार्मर का फाइनल प्रोडक्ट है, फ्लोर किसका फाइनल प्रोडक्ट है, ब्रेड किसका फाइनल प्रोडक्ट है, बेकर का। As a general practice, every producer treat his commodity as final output. कहते general practice क्या है कि हर producer अपने product को क्या मानता है, final output. ठीक है. It means total value of output. इसका मतलब total कितना output हो गया? 500 plus 700 plus 1000. 2200 का आ गया. 2200. आगे देखो क्या लिखता है. However, a careful examination जब ध्यान से देखा. Reveals that each transaction contains the value of intermediate. हर value में intermediate fruits की value included है. The value of wheat is included in the value of flour. Wheat की value flour में है and the value of flour is included in the value of bread. समझ आ गया? As a result, the value of wheat and flour are counted more than once. ये क्या हुआ, इनकी वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो गई, दिस कॉजेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इससे क्या हुआ, एक चीज दो बार काउंट, क्लियर, यहीं तक मार्क करने के लिए यहीं तक लिखना है। उसके बाद हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, अब डबल काउंटिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं डबल काउंटिंग से, देयर आर टू ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, नंबर 1 फाइनल आउटपुट मेथड एंड नंबर 2 वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहेगा कि आप एक काम करना, जितने का फाइनल आउटपुट बिका वो ले लेना, वही नेशनल इनकम जाएगी। अच्छा, और वैल्यू एडेड का क्या कहेगा, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का वैल्यू एडेड लेना, वैल्यू आउटपुट नहीं लेना, वैल्यू लेना, वैल्यू एडेड। देखो क्या लिखते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल ओन सॉरी वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। The given example, the value of bread of rupees 1000 sold to the final consumer should be taken in national the income. National income. तो आप क्या लेने वाले हो, सिर्फ national income. मैं क्या लेने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ final consumer value जो 1000 रुपए। हमारे example के हिसाब से 2000. या तो ये ले लो, तब double counting नहीं होगी। या फिर value added method, according to this method, sum total of value added by each producing unit should be taken in the national. हर producing unit का value added. In the given example, value added by farmer is 500, by miller is 200, by baker is 300. सबको add किया, that is total of 1000 should be included in the national. और यहाँ पे अगर हम value added लें तो कितना? 500 plus 300 plus 400 plus 800. ये भी बहुत आ रही है। ठीक है। ठीक है।
हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड, जो हम कल नहीं परसों स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी आपने क्या करना है, जो हमारे एग्जांपल है 1 टू 5 6 दिए थे कल, अब आप क्यों देखेंगे 1 टू 19, ये 1 टू 19 तक 6 हो चुके हैं, बाकी 13 क्वेश्चन आपके करने कल छुट्टी है। तो इसीलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब सारे क्वेश्चन करते हैं, उसमें लास्ट के जो दो तीन क्वेश्चन है, लास्ट के जो दो तीन क्वेश्चन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बेटा, उसमें ध्यान से समझना क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें ना आपको स्टोरी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं ए सोल्ड हिज आउटपुट टू बी, बी सोल्ड हिज आउटपुट टू सी एंड डी। ए ने जो सोल्ड किया वो 500 किया एंड द इनपुट फॉर ए इज 0, बी सोल्ड टू सी एंड डी फॉर 300 एंड 600 और कह दिया कैलकुलेट जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे डिवाइडेड बाय ए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट 5, फिर बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, दोनों का वैल्यू ऐड आ गया, क्या आ गया जीडीपी एमपी आ गया, उन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब प्रॉब्लम क्या आएगी, सेंटेंस में दिया हुआ है ए सोल्ड टू बी, ऐसे नहीं दिया हुआ टेबल में, तो आप ढूंढते रहोगे। अब ढूंढने में क्या होगा, एक का तो समझ आ जाएगा, दूसरे में कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिखा होगा बी सोल्ड हाफ ऑफ ए गुड टू सी एंड रिमेनिंग हाफ टू डी एंड ई, कुछ भी कंफ्यूज कर। तो आप ये डायग्राम बना देना इस तरह से, जब वो आपका डायग्राम बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए आउटपुट क्या है और इसके लिए इनपुट क्या है, फिर फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। फिर से उधर करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, उन्होंने इसके बिना किया हुआ है, वहाँ आंसर देंगे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। जितने भी डाउट आएंगे सारे कराऊंगा, डाउट आएंगे और आने भी चाहिए, आएंगे भैया ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन करोगे तभी आएंगे, अदरवाइज आज कल छुट्टी है।